लोग क्या कर रहे हैं। और कुछ नहीं, मैं तो बस बैठी हूँ, आटा गूंथ रही हूँ। आटा गूंथने के बाद में रोटी बनाऊंगी, देख सकते हैं आप लोग आटा गूंथ रहे हैं। और आज मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल, रोटी, चावल। और अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मैं कुछ और, मतलब मुझे खाने का मन हो रहा है, तो मैं क्या बनाऊंगी, कुछ यम्मी सा टेस्टी सा हम बनाने वाले हैं। पहली बार बना रहे हैं और अच्छा ही बनेगा। और आप लोग कमेंट करिएगा कि किसको किसको पसंद है ये डिश जो मैं बनाऊंगी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, सरप्राइज है। आप लोग गेस कर लीजिएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और वैसे तो फिलहाल आज सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हुई है और मौसम लेकिन बहुत अच्छा है। मैं तो अभी नहाई हूँ, शाम को नहा कर मुझे पूजा बत्ती जलानी होती है बाबा की, तो मैं अभी ठंडे ठंडे पानी से नहाई, लेकिन मुझे सर्दी नहीं लगी क्योंकि वो बाबा के नाम लेते नहाते हैं, तो मुझे सर्दी नहीं लगी। और क्या बताऊँ कि थोड़ा आप लोगों से बात हो जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। और आप लोगों को ऐसा लगता है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इतनी मेहनत करके, मतलब ऐसा तो सब डांटते हैं कि वीडियो ये बनाए, हमको खुशी मिलती है। हम आप लोग हमारी फैमिली है, फैमिली की तरह है, तो हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए कि मतलब मेरा वीडियो कैसे बना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कहाँ से हैं आप सब लोग ये ज़रूर कमेंट करिए, बताइएगा। ठीक है, अभी मैं आटा गूंथती थी, मैं बनाऊँगी रोटी और फिर मैं दिखाऊँगी कि मैं रोटियाँ कैसे बनाती हूँ। बोल बोल तो अब मैं यहाँ ले आई हूँ वेजिटेबल, तो मैं इसको भी काटूंगी। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। आप लोग, इतनी सारी ये वेजिटेबल्स हैं, मतलब मैं इसमें अभी सैलेड काटूंगी और उसके बाद में, मतलब जब तक दाल हो रही है मैं सैलेड तैयार कर लेती हूँ, पर मैं आपको दिखाती हूँ सैलेड। टमाटर वगैरह मैं काट के भी आपको दिखाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये काट कर रेडी कर लिया है सैलेड। और अब मैं जा रही हूँ किचन में रोटियाँ बनाने के लिए, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं फुली फुली रोटियाँ बनाती हूँ। ओके, अब मैं चलती हूँ किचन के पास में। मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक मैं आप लोग थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगी सारी रोटियाँ कैसे मेरी रेडी होती है। तो हे गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी रोटियाँ हो गई हैं रेडी। दिखाऊं, ये मेरी सारी रोटियाँ हो गई हैं रेडी बनके। अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ देसी घी। और ये मेरी रेडी हो चुकी है दाल, देख सकते हैं आप लोग, मतलब इतनी यम बनी है दाल, इतनी यम्मी है, ये देखिए इतनी टेस्टी दाल बनी है ये, और बन के रेडी हो चुकी। और हाँ, सरप्राइज़ क्या था आप लोगों के लिए, मैंने बना लिया है, वो भी रेडी कर लिया है। मैंने बनाया टेंटन वाइट पास्ता, पास्ता बनाया है मैंने और मुझे बहुत पसंद है पास्ता।
अभी मैं इसको खाऊंगी। पहले मैं अपनी सारी रोटियों में लगा लेती हूँ घी, और ये घर का घी मैं बनाया हुआ है, घर का घी मैंने बनाया है, तो मैं यही घी यूज़ करती हूँ खाने में। तो किस किस को, मतलब आप लोगों को घर का बना हुआ घी अच्छा लगता है, आप लोग मुझे कमेंट्स करके तो बता ही सकते हो कि फटाफट मेरा खाना बनके हो गया है रेडी। अब सिर्फ है, अभी मुझे थोड़ा सा और काम है, सारा काम फिनिश करने के बाद में ही मैं बैठकर आराम से खाना खाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, अभी तो मुझे किचन को भी क्लीन करना है। क्या करना है? किचन को क्लीन करना है, क्योंकि अब मैं ही रहती हूँ अकेले, तो मैं ही करूँगी ये काम, तो सारे मेरे अपने हैं तो मुझे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा सब्जी लगाना है। घर के घी में जो खुशबू होती है, यम, इसमें हो गई है सारी। अब मैं इसको कर देती हूँ बंद, और ये घी मैं उठाकर इधर रख देती हूँ, और अभी मुझे बहुत सारा और काम करना है। क्या करना है मुझे, बहुत सारा काम करना है। इतना लजीज, मतलब दाल बहुत देख के यम लग रही है मुझे, स्वाद भरी दाल बनी है। बस मैंने राइस नहीं बनाया है, और मुझे भी थोड़ा सा काम है। वेट, अभी मैं आधी किलो मिनट रुकी है। तो सबसे पहले मैं इस कपड़े से अपने किचन को करूंगी क्लीन, किचन को करना है मुझे क्लीन। उसके बाद में, करने के बाद में सारा काम फिनिश हो जाएगा। जब सारा काम ख़त्म हो जाता है तो बहुत, मतलब एक टेंशन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है कि अरे ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। तो सुबह में मुझे क्या होता है, मुझे सुबह अक्सर लेट हो जाता है। हम वैसे तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, तो अभी उठना है, अभी उठना है करके टाइम लग जाता है। तो बस कोशिश रहती है कि अपना सारा काम कंप्लीट करके ही मैं सोऊं। उस किचन सारा क्लीन होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। और आप लोगों को क्या बताऊं मैं, काम तो बहुत सारे सबके होते हैं घर में, सब लोगों के ही घर में होते हैं काम। सारा काम ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। भजन करते करते गाते गाते इतना काम हो जाता है
कुछ पता नहीं चलता मतलब कि हम कितना काम, आप लोग भी ट्राई करिया करिए। ये फिल्मी सॉन्ग्स अच्छा है, भजन भजन का भजन, राम का नाम का नाम, और आपका सारा काम ऐसे मतलब चुटकियों में ऐसे काम ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और हम लोग सोचते हैं कि कैसा करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो आप लोग प्लीज़ ना एक बार आप लोग जो है ऐसा ट्राई किया करिए, बहुत मज़ा आती है, नाम भी ले लो और सारा वो हो जाता है, काम भी सारे हो जाते हैं। अभी मुझे बर्तन भी धुलना है, बर्तन धुलने के बाद में खाना खाऊंगी। भगवान वंदना कोटि कोटि वंदना सिया राम जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना सिरे चल तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना कभी तेरी दरबारी में। मिट्टी से रात के बर्तन साफ होता था, हम हमारी अम्मा सफा करती थी, चूल्हे में खाना मतलब बनाओ खाओ, इतना मस्त है, यम्मी लगता है। और अब जब से मतलब क्या हुआ गैस है, लोग बीमारी के वो हो गए और इतने आलसी हो गए, क्या बताना, कुछ कह ही नहीं सकते, लोगों का क्या कहना, खुद ही ऐसे हो गए, क्या कहना। काम तो करना पड़ता है, काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप लोग भी ऐसे ही बर्तन साफ करते हो तो बर्तन तावा के ऐसे दिखते हैं।
आप लोग सोचते होंगे, सोच रहे होंगे कितना मतलब, बट मतलब कि साफ सब किचन को साफ रखना चाहिए। अपना खाना ना बनने के बाद किचन तो वैसे भी साफ करना चाहिए। लक्ष्मी माता भ्रमण करती है, हम लोग ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब हो गया सारा काम फिनिश। वाह, अब आप लोग बताइए, आप सोच रहे होंगे मैंने कितना सारा मतलब आप लोगों को काम बता डाला है। और आप देख सकते हैं बहुत सारा, आज मौसम बहुत ठंडा है फ्रेंड्स, इतना मतलब और इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और इधर भी बहुत अच्छा लगता है, क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत बढ़िया लगता है। और ये हमारे यहाँ का मौसम देखिए, ये रोड है हमारे यहाँ की, बहुत मज़ेदार, इतना मज़ा आता है कि क्या हम आपको बता नहीं सकते, मतलब इतना अच्छा लगता है ऐसे। चलो फ्रेंड्स, अभी तो डिनर करना है, तो मिलते हैं डिनर टाइम पे। ओके, बाय बाय। तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। अभी तो खाने का टाइम हो गया है, बट मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा है, तो थोड़ी देर में पैर में अपनी गर्म पट्टी, मैं ये वाली गर्म पट्टी बांधूँगी, उसके बाद में खाना खाऊँगी। अभी तो बहुत थक गई हूँ, क्योंकि सर्दी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे चोट आई थी, तो ये पैर मेरे इस घुटने में दर्द होने लगता है, कि मैं इसमें पट्टी बांधूँगी उसके बाद। और प्लीज़ आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आगे, बस दिल से धन्यवाद आप लोगों का। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और ऐसे ही हम अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। वैसे तो बहुत लोग अपना वीडियो डालते हैं, मेरा क्या है, मैं कौन सा इतना अच्छा, लेकिन फिर भी खुशी मिलती है मुझे अगर एक भी लाइक होता है। तो आप लोग प्लीज़ हमें लाइक करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, अच्छी लगे आपको पोस्ट तो प्लीज़। बाय, मिलते हैं बाद में।